नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। चलिए तो आज के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपको पता है आज जो है 2023, 5 जून 2023 है, वो आज क्या मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम सभी नहीं रहेंगे। लेकिन आज का जो मानव है उसने समझा ही नहीं कभी पर्यावरण को। ठीक है, अपनी भोग विलास दुनिया में, अपने विकास के चक्कर में उसने क्या किया, सारे पेड़ वगैरह कटवा दिए दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है हमारे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आपका जी हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और यह क्या है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कोई बताएगा? आपको पता होना चाहिए, लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या करना, सचेत। क्यों? क्योंकि आज जो समस्या हमारे वर्तमान समय में आ रही है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, गर्मी पड़ रही है, पता चला गर्मी में ठंडी पड़ रही है, ठंडी में गर्मी पड़ रही है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, आपका पर्यावरण के कारण, क्योंकि हमने वृक्षों को काट दिया, जिससे क्या होता है, वृक्ष जो करते हैं आपका CO2 लेते हैं, O2 देते हैं ऑक्सीजन। तो वो CO2 क्या करता है, तापमान बढ़ाएगा आपका, तो जिससे गर्मी पड़ रही है, और ग्लेशियर वगैरह भी पिघल रहे हैं इसी के कारण। ठीक है, इसीलिए, और ऑक्सीजन की भी आपको कमी महसूस होती है। देखा होगा कोई भी बीमारी आती है तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, क्योंकि तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं रहेगा जब आपको ऑक्सीजन का अलग से आपको सिलेंडर रखना पड़ेगा पीछे। ठीक है, अलग से सिलेंडर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप वृक्ष काट दोगे तो ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो आपके वृक्ष ही देते हैं आपको। ठीक है, तो जी आपको ध्यान रखना है, इसलिए सबसे पहले हमें पर्यावरण को सभी को, ठीक है, सचेत करना है, क्योंकि पर्यावरण सबसे जरूरी है आज के समय में। इतना आगे समझ में सभी को। अब आपको क्या है, हर साल मनाते हैं इसको 5 जून को, और इसकी एक स्पेशल थीम रखी जाती है, स्लोगन बोलते हैं, जिसको पूरा करना पड़ता है। इस साल का जो है आपका क्या, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब क्या करना, हमें प्लास्टिक को हराना है। क्यों दोस्तों ऐसा है, क्योंकि याद रखना पूरी दुनिया में हर साल 400 मिलियन, कितना, 400 मिलियन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। सिर्फ इसका 10% ही क्या होता है, रिसाइकल होता है, मतलब हम उसका उपयोग करते हैं, और जो भी प्लास्टिक रहता है वो पड़ा रहता है, इससे हमारा वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो ये गंभीर समस्या है, आपको इस पर ध्यान देना है बिल्कुल। ठीक है, इसके क्या है, देखो अभी जो मेजबानी हर देश क्या करता है, इसकी मेजबानी करता है हर साल, जो 2023 की जो मेजबानी की आपकी नीदरलैंड ने, ठीक है, और जो 2022 की मेजबानी की थी वो स्वीडन ने, जिसकी थीम क्या थी, केवल एक पृथ्वी, मतलब ओनली एक अर्थ, सभी एक अर्थ पर हैं। ठीक है, अब इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कब से है, मतलब इसका विकास कब से हुआ है, कब से मनाया जा रहा है, तो एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों आपका, स्टॉकहोम सम्मेलन, कहां हुआ था, ये स्वीडन में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1972 में। इसके तहत सभी देशों ने किया क्या, किया एक निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, हर साल पर्यावरण को बचाने के लिए क्या, अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाएंगे, जिसमें सभी लोग पेड़ वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो ये है, और पहली बार इसको कब मनाया गया था दोस्तों, 5 जून 1973 को। तो आपको भी विशेष ध्यान देना है, वो अपने आसपास अगर एक पेड़, लगभग आपको एक पेड़ जरूर लगाना है। ठीक है, ताकि वो, क्योंकि एक पेड़ क्या करेगा, आपको जिंदगी भर ऑक्सीजन देगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। जो सिलेंडर आपको 1 लीटर का 700 रुपए का मिलता है, वो पेड़ आपको जिंदगी भर करोड़ों रुपए की तो ऑक्सीजन मुफ्त देता है, फिर भी हम क्या करते हैं, पेड़ों की अवहेलना करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उनको लगाते नहीं है। ठीक है, तो आपको इस मुद्दे पर ध्यान देना है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।